हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा और आपको जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल रहा होगा। आज की इस लेक्चर में काम करने वाले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जस्ट बाद जो आपका अगला टेंस है, जिसको आप बोलते हो कायदे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में। आपने यहाँ पर कायदे से लिखने की कोशिश किया सबसे पहले क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट एक एक बात को समझिएगा, जहां लगे कि सर समझने में दिक्कत है वहां बोलिएगा, आपसे बात कर रहे बुआ। चलिए, तो आपने यहाँ पर कायदे से लिखने की कोशिश किया परफेक्ट, क्या बुआ हो, परफेक्ट। प्रेजेंट लिखने के बाद में इस परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। अरे कोई दिक्कत है, इस परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, मतलब कोई काम हो गया है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, मतलब कोई काम हो गया है। तो बउआ हो, अगर कोई काम हो जाता है तो ये होगा वो प्रेजेंट में कि पास्ट में। अगर कोई काम हो जाता है तो वह काम होगा प्रेजेंट में कि पास्ट में, पास्ट में होगा। एक एग्जाम्पल आपको दे करके हम समझाने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझिएगा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो जब तक हम पढ़ाने का काम समाप्त करेंगे नहीं, क्या ये होगा कंप्लीट, होगा। आप कुछ खाने बैठे हैं, जब तक आप खाना खाएंगे नहीं वह काम होगा कंप्लीट, नहीं होगा। तो अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमको ये बात समझ में आ गया कि आपने जो यहाँ लिखा है, आपने जो यहाँ लिखा है परफेक्ट, इसमें हम जिरा करेंगे, हम जिक्र करेंगे वैसे एक्शन का जो एक्शन हो चुका है, जो एक्शन हो चुका है। एक्शन आपका होता है पास्ट में, कहाँ होता है, कहाँ होता है, लेकिन वैसा एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम संपन्न हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, अभी वो क्या है, कंटिन्यूअस अभी वो क्या है। तो इस प्रकार के एक्शन का हम यूज कहाँ करते हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इसी का बात करने वाले हैं, इसी का बात करने आइए। तो सबसे पहले हम सारे प्यारे बच्चों ने कोशिश किया बनाने का इसका स्ट्रक्चर, अरे बोलो ना। हाँ, हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश किया बनाने का इसका क्या, बता पाटी, स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं जहां कहीं भी बात होगा टेंस का, तो कौन सेंटेंस किस टेंस में है इसको डिसाइड करता है वर्ब कौन। और आप यह भी जानते हैं कि इसका फॉर्म पांच होता है, अरे बोलो ना। हाँ, आपने कायदे से इसे क्या कहा, और ये क्या बाबूजी, ये क्या है, ये क्या है, कोई दिक्कत है। एकदम आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके देखिएगा। अब ये बताइए कि भीवन को आप कायदे से क्या कहते हो, अच्छा अब अच्छा पार्टी, इसे क्या कहते हैं आप, आ इसे आप क्या कहते हैं, परफेक्ट। आ इसको आपने क्या कहा, और इसको आपने क्या कहा, आ इसको आपने क्या कहा, प्रेजेंट। कोई दिक्कत है आपको, स्ट्रक्चर बनाना किसका है, परफेक्ट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, तो आप किसके पास जाएंगे, कोई दिक्कत है। अब आपने यहाँ क्या क्या बच्चा पार्टी बहु अगर कीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने यहाँ पे ले लिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म। और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म का एक अपना प्रॉपर्टीज है, ये जहां कहीं भी आता है विद हेल्पिंग, मतलब बिना हेल्पिंग के नहीं आता, अगर वह एक्शन को शो कर रहा है तब, अगर वह मेन वर्ब का काम कर रहा है तब। हमने कायदे से आपके सामने ये कहा है कि ये रहा हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म, और ये जहां कहीं भी आएगा तो वह कैसे आएगा, विथ हेल्प, विदाउट नहीं, विथ हेल्पिंग आएगा, मतलब हेल्पिंग के साथ, हेल्पिंग के। अब इसके हेल्पिंग वाला घर कौन कौन सा है, तो आपको पता हैज फैमिली है, मतलब है फैमिली है, अरे है कि नहीं है। तो पहले इसका पांचों फॉर्म लिखिए हैव का, तो वो हमारा क्या क्या हुआ हो, ये हमारा हैव हो गया, फिर हैड है, फिर हैड है, ये हमारा हैविंग हो गया। और आपने कायदे से यहाँ क्या लिखा, आपसे बात करें कोई दिक्कत है क्या, अरे है कोई दिक्कत। चलिए, इससे आपने कहा कौन सा फॉर्म, इससे क्या कहा आपने, ये हमारा क्या हो गया, अरे बोलो ना, और ये हमारा क्या है। आप अभी ये बताइए, भीवन को आपने अभी नाम क्या दिया हुआ हो, आ इसका नाम क्या दिया है, कोई दिक्कत है, आ इसका नाम आपने क्या दिया है, परफेक्ट।
और आपने इसका नाम क्या दिया हो? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, और आपने इसका नाम क्या लिया है? आप हमको बताइए, हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वह किसका बना रहे हैं? परफेक्ट का। लेकिन वह परफेक्ट किसका है? प्रेजेंट का है। तो हम देखेंगे इसमें प्रेजेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इसमें प्रेजेंट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना। अगर पास्ट का होता तो हम इसके पास जाते, पास्ट यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन किसका हम कर रहे परफेक्ट? प्रेजेंट का। तो आपने यहाँ पर लिखा कायदे से क्या हैव, और इसके बाद आपने यहाँ क्या लिखा? वही हमारा हैव है, एच ए वी ई, ठीक है, डब्ल्यू नहीं, वी है ये। चलिए, हैव है, हैज है, इसके बाद हमारा क्या आ गया? वो कोई दिक्कत है? इसको मैंने कहा वर्ब स्ट्रक्चर, वर्ब एस टी आर यू सी टी यू आर, कोई दिक्कत है? अब इससे पहले आकर के जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, अरे क्या करेगा? तो वह होगा नाउन या, और आपने कायदे से इसका नाम क्या दे दिया? और जो जिस पर एक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा, जिस नाउन या प्रोनाउन पे, जिस नाउन या, तो आपने इसका नाम क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट। अरे कोई दिक्कत है? और इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इस तरीके से जो हमारा क्या बन गया, वह बन गया बच्चा पार्टी क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को आप मानते हैं? और यहां आपने कायदे से लिखा क्या? यहां आपने कायदे से लिखा स्ट्रक्चर ये किस फॉर्म का है? अफर्मेटिव फॉर्म का। हो कोई दिक्कत है? लेकिन आप तो जानते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, इसका नेचर या तो कैसा होता है, या तो कैसा होता है, हो कोई दिक्कत है? अगर होगा सिंगुलर तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद हमारा क्या आ जाएगा? अरे है कोई दिक्कत? इतना बात पकड़ में आपको आ गया? आए, अब कायदे से बनाएंगे इसका हम निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव, तो निगेटिव स्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी यू आर ई, जब निगेटिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? निगेटिव वर्ड। अरे बोलो ना, हाँ, हमें निगेटिव वर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? निगेटिव वर्ड मेरे पास फिलहाल दो है, एक का नाम नो, दूसरा हमारा क्या हुआ हो? नोट है। नो का प्रोफाइल जो है ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है, और यह आपका अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। तो इसके बाद हमारा या तो आता है नाउन, या तो क्या आता है? इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? ये एडवर्ब है, ये अपने बाद क्या रहता है? वर्ब। कोई दिक्कत है? इसका जो बनेगा आप स्ट्रक्चर, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा क्या आपका? हैव या हैज। ये रहा आपका हुआ हो क्या? हैव या हैज। और यह आपके पास ऑप्शन, एक हमारा क्या है? नो है, एक हमारा क्या है? इसके बाद आपने यहाँ क्या लिखा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ कायदे से बातचीत करें तो यहाँ इस नो के बाद हमारा क्या? भीतरी है, जो अपने आप में वर्ब है, ये हमारा क्या? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई, ये हमारा क्या हो गया? ये नोट हमारा एडवर्ब है कि नहीं है? ये क्वालिफाई किसे करता है? और जो हमारा ये अपने आप में है क्या? वह भी तो है कि नहीं है? तो इस तरीके से जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना, वो बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या हुआ हो? नोट। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? अब प्लस क्या हुआ हो? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? तो पहले जो चीजें मैंने यहाँ लिखा है, मेंशन किया है, आप इसे क्या करेंगे? नोट कर लीजिएगा। नोट कहाँ से करेंगे? नोट आप कहाँ से करेंगे? हुआ हो पहले स्ट्रक्चर के बारे में कर लेते बातचीत, इसके बाद एग्जाम्पल भी होगा। हुआ हो, अब अगर हम बनाने की कोशिश करें इसका इंटरोगेटिव फॉर्म, तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, इंटरोगेटिव किसका? एसनो का। किसका? एसनो का। क्या बनेगा बोलिए? अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे बोलिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या? और इसके बाद साइन ऑफ
ये हो गया, या इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव फॉर्म है, वो कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें इंट्रोगेटिव का, अब बनाइए इसका नेगेटिव फॉर्म, तो क्या बने बाबूजी? ये बच्चा बोल रहा है सर पहले हमारा आएगा हैज या हैव, दोनों में से कुछ एक, इसके बाद क्या आएगा हमारा? नॉट भी आएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अब आप सारे प्यारे बच्चे बनाने वाले इसका कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरोगेटिव, तो क्या लिखिएगा आप? सॉरी, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच। तो अगर आप इसका बनाएंगे डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव फॉर्म, तो ये बात आप हमको बताने की कोशिश कीजिए। आप तो बनाएंगे पहले पॉजिटिव फॉर्म में, बनाएंगे ना, जब पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कायदे से क्या बन जाएगा बच्चा पाटी? बच्चा बोला सर पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में आपका हो गया हैज या हैव, इसके बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा बुआ हो? हाँ, इसके बाद आएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जब इसका बनाएंगे आप डब्ल्यू एच की नेगेटिव फॉर्म में, जब बनाएंगे डब्ल्यू एच का कौन सा फॉर्म? नेगेटिव फॉर्म, तो ये कायदे से हमारा क्या बन जाएगा? चलिए बच्चा बोला सर पहले हमारा आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद हमारा आएगा हैज या हैव, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, ये बच्चा बोला सर इतना काम तो हम कर ही सकते हैं, इतना काम तो हम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग काम करेंगे स्ट्रक्चर के बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूसेज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप यूज कहां कहां करते हैं। क्लियर है? लिखेगा बच्चा पार्टी, लिखने की कीजिए कोशिश। एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या इसी को हम बोल सकते हैं यूसेज। क्या बोला हो? यूसेज, ठीक है। तो लिखिएगा फर्स्ट यूज इसका, लिखिए, लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, इज यूज्ड टू डिनोट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन, एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड, विच हैज कंप्लीटेड एट सम टाइम, विच हैज कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द, सम टाइम इन द पास्ट, बट हुज इफेक्ट इज कंटिन्यूअस, बट हुज इफेक्ट इज कंटिन्यूअस। पहला आप कितना लिखे कायदे से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which has completed at some time in the past, या which has completed in the past। यहां से इसको लिखाएंगे हम सेकेंड यूज में, यहां लिखे आप दूसरा चीज, इन द पास्ट रिसेंटली, ज्यादा मजा आएगा। इन द पास्ट रिसेंटली, आर ई सी ई एन टी एल वाई, रिसेंटली या जस्ट नाउ, या जस्ट नाउ, इतना लिखे, वो लिखवाएंगे आपको हम सेकेंड यूज में, ठीक है? लिखा गया बच्चा पार्टी, आप लोग पढ़ने बैठिएगा कॉपी कलम ले करके, ठीक है? ऐसे में बदतमीजी हो जाएगा,
कहानी को लेकर आगे आ जाए, समझाऊ मैं? आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश ये किया है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं वैसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो संपन्न हो चुका है किसी समय, which has completed, ई नहीं होगा, which has completed in the past recently, which has completed जो संपन्न हो चुका है in the past भूतकाल में, recently अभी अभी, sorry हाल ही में या अभी अभी। इस recently का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, इसका मतलब होता है अभी अभी। इसका मतलब क्या होता है? I repeat once again, present perfect tense का हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए वैसे एक्शन को which has completed जो संपन्न हो चुका है इन द पास्ट भूतकाल में, अभी अभी, सॉरी हाल ही में या अभी अभी, ठीक है। चलिए आप इसका एग्जाम्पल लिखने की कीजिए कोशिश। मैंने चाय पी है, लिखिएगा बुगाओ क्या, मैंने चाय पी है, मैंने चाय पी है, आगे लिखिएगा क्या आपने कॉफी पी है, क्या आपने कॉफी पी है। एक मिनट, इसके बाद होगा क्या, क्या आपने कॉफी पी है के बाद साइड में इंट्रोगेशन। इसके बाद यहां लिखिएगा राम के पिताजी ने हाल ही में एक नई कार खरीदे हैं, एक नई कार खरीदे। इसके बाद लिखिएगा मोहन अभी यहाँ आया है। ये लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा सीता अभी पटना गई है। हो गया क्या? तो आप बनाएंगे या मैं बनाऊं? चाय को आप चुस्की लेते तो वहां का टेक का थर्ड फॉर्म टेक इन, पानी को आप पीते हैं वहां आपका आता है। ये बच्चा प्यार से बोला सर ये बनेगा हमारा आई हैव टेकन टी, ठीक है। आप यहाँ पर पीना का मीनिंग ड्रिंक से मत लेना, ठीक है। चाय का हम लोग चुस्की लेते हैं, और चुस्की लेना का मीनिंग क्या होता है टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है टेकन। चलिए, क्या आपने कॉफी पी है, क्या बनाया आपने, हैव यू टेकन कॉफी, Have you taken coffee? कोई दिक्कत है क्या? COFFEE, ठीक है। राम के पिताजी ने हाल ही में एक नई कार खरीदे हैं। यही बात है ना? ना ना, राम्स फादर FATHER, ठीक है। राम्स फादर हैज बॉट BOUGH बॉट अ न्यू कार, bought a new recently RECENTLY। कोई परेशानी की बातचीत है क्या? मोहन अभी अभी यहाँ आया है, क्या बनाओगे बच्चा पटी आप? ये बच्चा बनाया है क्या, मोहन हैज कम हेयर जस्ट नाउ, मोहन हैज कम हेयर जस्ट नाउ। कोई दिक्कत है क्या?
बोलिए बच्चा पार्टी, परेशानी के बातचीत किसी को है क्या? अरे है, एक मिनट। चलिए अगला क्या है? सीता हैज गॉन टू पटना, सीता हैज गॉन टू पटना जस्ट नाउ, पटना जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। कोई परेशानी के बातचीत है क्या? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चा पार्टी।